नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। लगातार कई बार ऐसी शिकायतें सुनने में आई है कि किसानों की उपज तोमदा हुई, लेकिन अनाज रखने के लिए गोदाम की कमी हो रही है, जिसके कारण किसानों को मजबूरन अपनी फसलों के उपज को कम दाम में सीजन खत्म होने के बाद बेचना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा सुनने को बहुत ही कम मिलने वाला है, क्योंकि इस साल अनाज भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 400 पैक्सों में गोदाम निर्माण पूरा करवाया तो जा ही रहा है, जिसको लेकर के सरकार 105 करोड़ राशि खर्च करने जा रही है। योजना के अनुसार दो किश्तों में 28 करोड़ और 33 करोड़ उपलब्ध करवा दिए गए हैं, बाकी बची राशि इसी महीने जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी किए गए प्रावधान के अनुसार सुरक्षित और टिकाऊ गोदाम के लिए टाइम मॉडल को भवन निर्माण विभाग के अभियंता से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद पैक्सों द्वारा निर्माण कार्य पूरा किया जाता है, जो कि अभियंता के स्तर पर पूरा होता है। सहकारिता सचिव वंदना प्रेसी ने इस बात की जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि राज्य में कुल 8463 पैक्सों में 6600 के पास गोदाम है। भंडारण क्षमता 13,11,000 टन है। नए गोदाम बनने से 1.5 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन होगा। जिन पैक्सों के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, वहां पर 500 टन और 1000 टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण की प्राथमिकता दी जा रही है। 200 टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 14 लाख, 500 टन के लिए 32 लाख और 1000 टन के लिए 58 लाख रुपए दिए जाते हैं। विशेष परिस्थिति में जिस पैक्स के पास जमीन कम है, वहां 200 टन भंडारण क्षमता वाले गोदाम की स्वीकृति दी जाती है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच खुशी की खबर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अब अपना गोदाम खुद ही बना सकेंगे। अनाज के सुरक्षित रखरखाव के लिए किसान छोटे छोटे गोदाम का निर्माण करवा सकेंगे, और सबसे राहत की बात यही है कि इसके लिए उन्हें अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा, बल्कि सरकार उन्हें अनुदान देगी। सामान्य श्रेणी के लिए 5 लाख या लागत के 50% में जो कम होगा अनुदान मिलेगा। SC ST को 9 लाख या लागत के 75% में जो कम होगा वो मिलेगा। वर्तमान समय की बात करें तो ज्यादातर किसानों के पास गोदाम की सुविधा है ही नहीं। किसान फसलों को ज्यादा दिनों तक यही कारण है कि रोक नहीं पाते। सीजन में फसल सस्ती होती है, लेकिन बाद में भाव बढ़ जाते हैं। गोदाम नहीं होने पर किसान खुले बाजार में फसल बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। खुद का गोदाम होगा तो अनाज भंडारण कर सकेंगे, बाजार के रुख को देखकर अनाज बेच सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के किसानों की समस्या सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई सारी है, लेकिन बिहार सरकार की यही कोशिश है कि धीरे धीरे करके उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, ताकि अन्नदाता कभी भी फसल के सही दाम नहीं मिलने के कारण परेशानी में ना फंसे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।